तो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एस फार्मा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे डायनापार एम्पुल्स के बारे में। आज हम डायनापार एम्पुल के बारे में फुल रिव्यू देने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। कंटेंट है अपना डायक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। तो हम बात करते हैं अब इसके ईच एम एल कंटेंट के बारे में। डायक्लोफेनिक सोडियम जो रहती है वो 75 mg रहती है। बेंजाइल एल्कोहल 4% वेट वैल्यूम बाय वैल्यूम का रहता है और वाटर जो रहता है QS के रूप में रहते हैं। और इसको स्टोर जब करते हैं हम तो यह 30°C में आप इसको रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके मेन यूज के बारे में। तो इसका उपयोग हम दर्द एवं यदि आपके जॉइंट में दर्द हो या कमर में दर्द हो या पूरे शरीर में कहीं भी दर्द हो तो आप इसका उपयोग करते हैं। यदि आपके शरीर में आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं या कि ज़्यादा मोच आ गई है, आपके शरीर में सूजन है, तो आप इसको इंजेक्ट करवाते हैं, तभी आप इस एम्पुल का उपयोग किया जाता है। एंड अब हम बात करते हैं इसको IV के थ्रू इसको दिया जाता है, इंट्रावेनस के थ्रू दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है या फिर अपना ये एक्शन पूरा कर देता है। तो अब हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो प्राइस है अपना 33 rupees में आपको मिल जाएगा। मेडिकल या हॉस्पिटल से आप परचेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो यह मैन्युफैक्चरिंग हुई है ट्राइका फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी से। तो यही रही कुछ आज की वीडियो। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टिल देन बाय बाय।